चेड़ा, आज इस वीडियो में मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ मेरे हमदम, मेरे साथी से, जिसने हर दुख और सुख में डेली बेसिस में मेरा साथ दिया। स्टॉप टेलीपोर्टिंग मी फ्रॉम ऑफिस। खुद को इतना भाव मत दो, मैंने तुमको नहीं बुलाया था। जाओ। I wasn't talking about him. I was talking about him. मेरा हमदम, मेरा छोटू, मेरा साथी, जो हर हाल में मेरा साथ देता है, मुझे रोज कॉफी पिलाता है। I love you. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वेलकम टू ब्रेकास्ट कैफे, जहां पर मैं और मेरा छोटू मिलकर मिलाते हैं मस्त कॉफी। सो दिस इज एक्चुअली अ रिव्यू ऑफ मर्फी रिचर्ड कॉफी मशीन। 6 महीने हो गए हैं मुझे इसे यूज करते हुए, एंड आई थॉट लेट्स रिव्यू इट। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम में जब भी डालती थी, बाय द वे यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो काफी लोग पूछते थे कि कैसी है कॉफी मशीन, कितने की आती है। लेट्स आंसर ऑल द क्वेरीज टुडे अलॉन्ग विद द रिव्यू। सो वी विल स्टार्ट विद द रिव्यू। 4 लोगों की मैक्सिमम कॉफी इसमें बन जाती है। यू कैन मेक एस्प्रेसो एंड कैपेचिनो बोथ इन इट। एज यू कैन सी, लाइक माई छोटो इज वेरी हैंडसम, कम्पैक्ट, स्लीक, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता है और बहुत ज्यादा बिजली भी नहीं लेता है। रियली अ परफेक्ट मैच फॉर एटलीस्ट 4 पीपल। तो शुरू करते हैं, शुरू से इसके फीचर्स वगैरह बताना। सबसे पहले इसमें अगर आप ऊपर से देखेंगे, बंद करने के लिए और खोलने के लिए ये ढक्कन लगा हुआ है, को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर पानी डालना होता है, जहाँ पे पानी स्टीम होता है। देन ऑफ कोर्स इट हैज द इंस्ट्रक्शन क्लोज एंड ओपन। Whenever you are making coffee, my advice is to be very very careful and do not forget to close this very very tightly. अगर ये अच्छे से नहीं क्लोज होगा तो वाटर स्टीम होके बाहर आ सकता है और कुछ अनहोनी हो सकती है। एंड आप ये जो रेगुलेटर देख रहे हो, ये मिल्क फ्रॉथिंग के लिए है, तो यहाँ पर आप मिल्क फ्रॉथ यानी स्टीम कर सकते हैं अपनी कॉफी के लिए। अगर आप कैपेचिनो बनाना चाहते हैं और आपको थोड़ी फ्रॉथी कॉफी पसंद है, आप जब इसको राइट हैंड साइड घुमाते हैं तो यानी आपके जो स्टीम की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, और जब आप पीछे इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यानी आपकी जो स्टीम की इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट है ये लिड। आई डोंट यूज इट अलोंग विद दिस, सो आई रिमूव दिस कैप एंड देन दिस इज वेयर यू स्टीम द मिल्क। ओके, यू फ्रॉथ इट। थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है मिल्क फ्रॉथिंग करते टाइम, वो टाइम के साथ ही आपको आएगा। जब शुरू में आया था तो हमें भी नहीं बनता था करते, बट नाउ आई वुड लाइक टू बिलीव कि दैट आई एम क्वाइट एन एक्सपर्ट। जस्ट से ये आपका यहाँ पर इन्होंने नीचे लगा रखा है, यहाँ पर जितनी भी कॉफी ड्रिप होती है, अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉफी होती है वो ड्रिप होके यहाँ पर गिर जाती है और इकट्ठी हो जाती है, तो आपकी मशीन इससे गंदी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टीम का साइन बना हुआ है, इसका मतलब है जब भी आपको मिल्क स्टीम करना है आपकी, आपको यहाँ पर इसको ड्रैग कर देना है। मिल्क स्टीम करने के पहले आप कॉफी बनाएंगे तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर जो ये साइन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, ये इंटेंसिटी ऑफ कॉफी के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हार्ड कॉफी चाहते हैं, लाइक दिस इज द वे आई लाइक इट, मुझे बहुत ही हार्ड कॉफी पसंद है, तो यहाँ पर आप अपने साइन को कर सकते हैं। अगर आपको लाइट पसंद है तो अकॉर्डिंगली आप उतने ही कम में जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिनिमम एकदम ही लाइटेस्ट कॉफी पीने वालों में से हैं आप, तो आप इसे यहाँ रख सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ कॉफी यू वांट, तो आप उसके हिसाब से कॉफी की इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये कुछ आइटम्स जो आपको कॉफी मशीन के साथ मिलते हैं। स्पून टू टेक आउट द कॉफी एंड पुट इट इन दिस। और ये क्या है, यहाँ पर आपको अपनी कॉफी लगानी होती है, तो ये 2 पार्ट्स में है। आप अपनी कॉफी निकालेंगे और उसे यहाँ पर डालेंगे, तो जैसे कि आप इस कप के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर 4-4 लोगों का कॉफी बन सकता है, और ये साइन बना हुआ है 2 एंड 4। ठीक है, तो अगर आपको 2 लोगों की कॉफी बनानी है तो आप इधर तक कॉफी डालेंगे, 4 लोगों की बनानी है तो इधर तक डालेंगे, और अगर 1 और 3 लोगों की बनानी है तो इनसे थोड़ा कम। ओके, उसके बाद आप कॉफी को इसके अंदर डालेंगे एंड यू आर गोइंग टू पुट दिस हियर। ओके, एंड मेक कॉफी, आई विल शो यू एवरीथिंग। लास्ट जो इसका पार्ट है वो है ये कप, जो कि बहुत सही है। इट्स मेड ऑफ ग्लास एंड आपको दिखता रहता है कि कितनी कॉफी ड्रिप हुई है। अगेन इस कॉफी में साइन है 1, 2, 3, 4। तो जब आपकी कॉफी यहाँ से गिरती है नीचे
तो आप देख सकते हो कि कितनी कप ऑफ कॉफी निकल चुकी है। इस पूरे उसके पहले आपको इसी से ही इसी कप से मेजर करके स्टीम के लिए भी पानी यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स इस मशीन के फीचर्स थे, एंड देन यू हैव द प्लग। और इसके बाद जब आप ये प्लग लगाते हैं तो यहाँ पे एक रेड बटन है जिससे आपको कॉफी मशीन ऑन और ऑफ करनी होगी। इसमें ऑब्वियसली नॉर्मल कॉफी नहीं आती है जो हम यूज करते हैं नेस्कैफे वगैरह की, इसमें आपको स्पेसिफिकली एस्प्रेसो और कैपेचिनो के लिए जो बीन्स वाली कॉफी आती है वो आपको लानी होगी। आपको कहीं भी मिल जाएगी, थर्ड वेव कॉफी में मिल जाएगी, ब्लू टोकाई में मिल जाएगी, स्टारबक्स में मिल जाएगी, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स। इवन यू कैन यूज द फिल्टर्ड कॉफी इन इट। वी यूज थर्ड वेव कॉफी, और अभी हमने दो ही फ्लेवर इसकी ट्राई किए हैं। राइट नाउ वी आर यूजिंग डार्क चॉकलेट नटी एंड अर्दी मॉनसून मलाबार। कि पहले मैंने यूज किया था वनीला फ्रेंच वनीला कुछ ऐसे करके था। आई एम वेरी वेरी सैटिस्फाइड विद द थर्ड वेव कॉफी, इट्स रियली नाइस, रियली रियली नाइस। सो आई ट्राई टू यूज इट। और एक हम चिकमगलूर से अपनी होम स्टे से एक कॉफी लाए थे, फिल्टर्ड कॉफी, समटाइम्स वी यूज दैट टू। बटरी वी आर गोइंग टू यूज दिस, हमें इसके लिए चाहिए होगा। अगर आप कैपेचिनो भी बनाना चाहते हैं तो आपको मिल्क फ्रॉथ करने के लिए चाहिए होगा फ्रॉथर। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बहुत ही अच्छा फ्रॉथर है ये, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मेक अ कॉफी। ओके, जो पहला स्टेप है वो है इस कप को फिल करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दो लोगों के लिए कॉफी बनानी है तो मैं इसमें अराउंड 3 या 4 कप्स ऑफ वाटर डालूंगी। मुझे स्टीम भी करना होगा मिल्क, ठीक है। अगर आप एस्प्रेसो बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बट इफ यू आर मेकिंग अ कैपेचिनो देन यू नीड टू हैव थोड़ा सा ज्यादा पानी जितने कप्स आप कॉफी बना रहे हो, ठीक है। सो इन माई केस आई एम गोइंग टू फिल इट 3 or 3.5 तक, ठीक है। बहुत ज्यादा भी हमें पानी नहीं चाहिए क्योंकि हमें फिर क्लीन करना पड़ेगा और ऊपर हम पानी यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज मशीन जल्दी खराब हो जाएगी। मेक श्योर आई एम वर्किंग आप इसी से मेजर करके कॉफी डाल रहे हो, अदरवाइज इधर उधर हुआ तो कॉफी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस, बी वेरी केयरफुल विद दिस, काफी गर्म हो जाती है क्योंकि, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। और मैं सारा का सारा पानी इसमें डाल दूंगी। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हमें यूज करना होगा ये, और ये जो स्पून स्पैचुला जो भी आप इसे बोलना चाहें, चम्मच वो इसके साथ मिलती है उससे, ठीक है। तो मैं ये कॉफी लूंगी। वाओ, स्मेल सो नाइस। इस कॉफी को लेकर से यहाँ डाला, एंड टेक 1 more scoop एंड देन आई एम गोइंग टू प्रेस दिस। इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अगर ये अच्छे से प्रेस नहीं होगी तो कॉफ़ी अच्छी नहीं बनेगी एंड में। इस अगर ये केक टाइप का निकलता है ना तो इसका मतलब है कि यू हैव डन अ गुड जॉब, और अगर केक अच्छे से नहीं निकलता है और टूट फूट जाता है, इट मीन्स दैट कुछ तो गड़बड़ी हो गई आपकी कॉफ़ी के प्रोसेस में, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक लॉक टाइप का जब आवाज़ आएगी ना टक सी, मतलब ढंग से लगा, क्योंकि इसको ढंग से लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं हमेशा बड़ा स्ट्रगल करती हूँ इसे ढंग से लगाने में, तो क्वाइट एन एक्सपर्ट। कॉफ़ी बनाते बनाते फिर छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी एक्सपर्ट से भी हो जाती हैं, कोई बात नहीं। टेक नंबर 2। ओके, तो कॉफ़ी सक्सेसफुली लग चुकी है टेक नंबर 2 में, एंड लेट्स स्विच ऑन। लेट मी चेक एवरीथिंग इज ऑल राइट, आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ। अब हम इसे यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ओके। सो दिस इज हाउ द सेटअप शुड लुक when you are making the coffee, and then we're going to switch on. तो ये switch on हो गया है। अब हम यहाँ से intensity decide करेंगे कि हमें क्या रखनी है। I want it hard, so I'll keep it here and wait. और coffee यहाँ पर जब drip होना start हो जाएगी और जब 2 कप तक भर जाएगी तो मैं इसे बंद कर दूंगी। So as you can see, it's filled up to 2.
अब यहाँ से करके मैं स्टीम में कर दूंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके नीचे आ जाती है, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, यूज हो जाती है बाद में। नाउ आई हैव टेकन मिल्क इन दिस फ्रॉथर, आप अपने हिसाब से मिल्क ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि फुल क्रीम मिल्क ही लेके आऊँ या अमूल का जो टेट्रा पैक आता है वो लेकर आऊँ, उन दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे अच्छे से बन जाएगा। स्टीमिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी ट्रिकी पार्ट, और क्योंकि आज मुझे कॉफ़ी लगने में भी दिक्कत हो गई तो मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ इसको करने के लिए, बट आई विल शो यू। सो हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे फ्रॉथर को, एंड देन दिस इज़ द रेगुलेटर जो जहाँ से हमें स्टीम को रेगुलेट करना है। ओके, यहाँ से आप स्टीम करोगे तो जितना ये स्टीम की इंटेंसिटी के लिए, अगर यहाँ तक करोगे तो फुल ऑन स्टीम पर चला जाएगा, विच आई डोंट रिकमेंड, और यहाँ पर आप पीछे रखोगे तो लो इंटेंसिटी रहेगी स्टीम, तो आप आवाज़ सुन सकते हो, ये आवाज़ आएगी जब स्टीम होगा। एज यू कैन सी हमारा मिल्क बढ़िया तरीके से फ्रॉथ हो गया है, हमारी कॉफ़ी ऑलमोस्ट बन गई है, तैयार हो गई है, वी विल स्विच ऑफ द मशीन। तो सबसे पहले आपको ये कॉफ़ी लेनी है, ठीक है, अगर आप एस्प्रेसो पीना चाहते हैं तो आप ऐसे के ऐसे ही पी सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह कैपेचिनो के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पे मार्क है, तो आपको पता है कि आपको कितने कप कॉफ़ी ईच कप में डालनी है। एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द मिल्क इन द कॉफ़ी। ओके, सो द कॉफ़ी इज डन, और यहाँ पर टेस्ट करने के लिए लोग आ चुके हैं, सो देखो भाई टेस्ट करके कैसी है। वेल लेट्स चीयर्स। चीयर्स। वेरी नाइस, अमेजिंग एक्चुअली, वी बोथ लाइक इट। एंड बट एक जो चीज़ है मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि इसमें एस्प्रेसो और नॉर्मल कैपेचिनो ही बनती है। अगर आप बहुत ही एकदम ही कॉफ़ी फ्रेनेटिक हैं और आपको बहुत ही एकदम परफेक्ट टाइप ऑफ कॉफ़ी चाहिए तो प्रॉब्ली दिस इज नॉट द मशीन फॉर यू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गर्म था यार, हाँ, और कॉफ़ी बनाने के बाद इस पर हाथ ना रखें, लेसन लर्न। इसमें भी मतलब ठीक ठाक बन जाती है, पर बहुत अमेजिंग एकदम ही वैसी शायद ना बने, तो उतनी क्रीमी नहीं बनती वैसे। हाँ, उतनी क्रीमी नहीं होती है, और आई थिंक उतनी फाइन तरीके से कॉफी नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ कॉस इसकी मशीन की अपनी लिमिटेशन है। इन दैट केस यू शुड गेट अ लिटिल बेटर कॉफी मेकर, बट अगर आप एक डिसेंट कैपेचिनो वाली कॉफी पीना चाहते हैं घर पर और आपको 5000 के अंडर कोई मशीन चाहिए, आई थिंक दिस इज लाइक द परफेक्ट मॉडल। ऑफकोर्स थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट यूज टू हाउ टू मेक इट, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इट्स ग्रेट फॉर अ पर्सन हु वर्क्स फ्रॉम होम लाइक मी, मतलब मैं शाम तक एक कप कॉफ़ी तो कोशिश मतलब पी लेती हूँ, तो बड़ी जल्दी इसमें हो जाती है, अदरवाइज वो फेंटने वाले में खुद ही बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। एंड विद दैट वी विल गोइंग टू एंजॉय कॉफ़ी इन अ बालकनी, सो कम अलोंग। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो हॉट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको ऐसे निकाल लेना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो ये था मॉर्फी रिचर्ड कॉफी मशीन का रिव्यू, और जो कि आई नो इट हैज समहाउ वेंट रॉन्ग, बट ओके फाइन। इसका जो अपीयरेंस है, जो जितनी कॉम्पैक्ट ये है उसके हिसाब से इट्स लाइक 4 out of 5 stars, मतलब एकदम छोटी सी जगह में हमारे किचन में आ जाती है, क्योंकि हमारा किचन बहुत बड़ा नहीं है, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी डिडंट वांट टू परचेज कॉफी मशीन, अ बिग कॉफी मशीन। दिस इज कॉम्पैक्ट, लाइट एंड लुक्स रियली रियली कूल। ओके, तो छोटू को अपीयरेंस के मामले में 4 भी कमी है, 4.5 out of 5 stars मिलते हैं। दूसरा, इसमें कॉफ़ी बनाना इजी है। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, देखा है कितना इजी है, लेकिन ट्रस्ट मी आप मेरी तरह क्लमजी नहीं होंगे, आई एम वेरी क्लमजी। आसानी से कॉफ़ी बनाने पर रेटिंग दूँ तो इट विल बी 4 out of 5। द क्लीनिंग ऑफ इट इज अमेजिंग, मुझे ऐसा होता है क्लीन करने में ये मशीन बहुत ही आरामदायक है मेरे लिए, विच इज़ लाइक 5 out of
आउट ऑफ 5 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कैपेचिनो और एस्प्रेसो रेट अगर करें कैसी बनती है इट मेक्स अ डिसेंट कॉफी सो 4 out of 5 So overall rating is like 4 out of 5 guys. Go for it. It's nice. And that's it. So if you have liked the video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. I'm trying really, really hard to reach to 10K. So please help me by subscribing it. And I'll see you in the next video. Bye bye. My Chotu. Mere Hamdam ka saathi. Hamdam ka saathi? हमदम का साथी क्या होता है मेरे किसका साथी थे मेरे सुख मेरा हमदम हमदम मेरा साथी ओके सॉरी फिर से वो सुन करना पड़ेगा मर्ची रिफ मर्ची रिफर नहीं बंद कर दो कैमरा